जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। स्पेशली तौर पे वे कैंडिडेट जो कि बिहार से आते हैं और बिहार पुलिस की तैयारी करते थे दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, वो मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ दोस्तों। साथ में फिजिकल एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे कि क्या फिजिकल क्राइटेरिया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखेगा और चैनल पे अगर आप लोग नए हो ना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल, ये जो नई भर्ती आई है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 21,391 पोस्ट पर यह वैकेंसी देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी तक क्या होता आ रहा था कि मैक्सिमम 10,000, 12,000 या फिर 14,000 के आसपास तक वैकेंसी आती थी, लेकिन इस बार दोस्तों आपको 21,000 से ज्यादा नंबर ऑफ सीटों पे वैकेंसी देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन आवेदन कब से होगा तो 20 जून से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा और 20 जुलाई लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको पूरा एक महीने का समय दिया जा रहा है फॉर्म को फिल करने के लिए, लेकिन अगर आप लोग सीरियस हो दोस्तों बिहार पुलिस को लेकर के तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि शुरुआत में ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में क्या होता है कि बाद में सर्वर स्लो हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं दोस्तों। इस वजह से आप लोग शुरुआत में फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। फीस की बात करेंगे दोस्तों कि फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको 675 रुपए देने पड़ेंगे, वहीं पे एससी एसटी कैंडिडेट जो हैं उनको 180 रुपए यहां पे देना पड़ेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। देखिए दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक देखिएगा क्या बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, उसके अलावा हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप लोग वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखिएगा, ठीक है ना। आइए अब आगे हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट की बात करेंगे तो 1 अगस्त 2022 से काउंट किया जाएगा, जिसके तहत मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। यह जनरल कैंडिडेट के लिए है दोस्तों, एज में छूट भी दिया जा रहा है। बीसी ईबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 2 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि वे कैंडिडेट जो बीसी ईबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको 18 साल से लेकर के 27 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं और बीसी ईबीसी फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 18 साल से लेकर के 28 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एससी एसटी कैंडिडेट जो है वे 18 साल से लेकर के 30 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से समझिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए जिससे कि आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप बीसी ईबीसी कैंडिडेट हैं तो इसमें आपको 2 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आप 1 अगस्त 1995 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं दोस्तों तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आपको 1992, जी हाँ दोस्तों 1 अगस्त 1992 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है ना। काफ़ी सारे कैंडिडेट को ये जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर एज में काफ़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, इस वजह से मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप डेट ऑफ बर्थ और एज जो है वो समझ गए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे 12th पास मांगा जा रहा है, यानी कि अगर दोस्तों आप इंटर पास हो तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो और यहाँ पे परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन तो होना नहीं है, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा दोस्तों। आपका जो मेरिट बनेगा वो फिजिकल पे बनेगा, ठीक है ना, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, है ना। तो कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के। आइए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि रिटर्न सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स के होंगे, ये सब जान लेते हैं दोस्तों। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, 100 अंक का 2 घंटे का समय दिया जाएगा और नो निगेटिव, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको पूरे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग तो है नहीं दोस्तों, तो आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो तुक्का लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई नंबर कटना नहीं है। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देख लेते हैं। तो साइंस की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन, जीके करंट अफेयर्स की बात करेंगे दोस्तों तो जीके से 40 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे तो हिंदी से 7 क्वेश्चन, इंग्लिश से 8 क्वेश्चन और मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन टोटल 100 होंगे, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी का 5 गुना बच्चे को जो है वो फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जैसे 21,391 पोस्ट है दोस्तों, तो इनके 5 गुना अगर करेंगे तो ये लगभग 1,06,000 समथिंग, 900 कुछ समथिंग जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों उतना जो है आपको
उतना बच्चे को बुलाया जाएगा दोस्तों, फिजिकल क्राइटेरिया भी है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं ना वो फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी जैसे रनिंग है, हाइट है, चेस्ट है ना, काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं। आइए एक एक करके ये समझ लेते हैं दोस्तों, और इसको आपको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिहार पुलिस एक ऐसी वैकेंसी है ना दोस्तों जिसमें आपका रिटन और फिजिकल दोनों मजबूत होना चाहिए, तभी जा करके आप क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरिट आपका जो बनेगा वो फिजिकल पर ही बनेगा, और इनके भी नंबर आपको दिए जाएंगे। तो मेल फीमेल कैंडिडेट का दोनों यहां पे दिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइट का, तो जनरल बीसी कैंडिडेट का हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है, एबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूं यहां पे 160 सेंटीमीटर का हाइट मांगा जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप महिला हैं, फीमेल हैं दोस्तों, तो 155 सेंटीमीटर का यहां पे हाइट मांगा जा रहा है ऑल कैटेगरी। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, जनरल में आते हो, बीसी ईबीसी एससी एसटी आते हो, आपका 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाएगा, ठीक है ना। चेस्ट की बात करेंगे मेल कैंडिडेट का, तो जनरल बीसी ईबीसी कैंडिडेट का 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, और एससी एसटी कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, तब जाकर के आप लोग एप्लीकेबल होंगे, ठीक है ना। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे दोस्तों, तो उनका हाइट देखा उनका दोस्तों वेट देखा जाता है, वेट कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 48 केजी होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, अगर इससे कम होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। 48 केजी से ऊपर होना चाहिए दोस्तों, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ। रनिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो रनिंग जो है वो आपका टोटल 50 अंक का होगा, जिसमें कि देखिए आपको कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी रेस को पूरा कर लेते हैं, उसी हिसाब से आपको जो यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। वैसे मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि 6 मिनट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर के रेस को पूरा करना होता है दोस्तों, लेकिन अगर आप 5 मिनट से कम समय में 1.6 किलोमीटर के रेस को पूरा कर लेते हो ना, तो आप को पूरे के पूरे 50 अंक मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों अगर आप 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं समय, तो उसमें आपको 40 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड लगाते हैं तो उसमें आपको 30 अंक दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे आपको समय ज्यादा लगेगा दोस्तों, वैसे वैसे आपका नंबर जो है वो घटता जाएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा दोस्तों कि 5 मिनट से पहले पहले आपको रेस पूरा कर लेना है, जिससे कि आपको पूरे के पूरे 50 अंक मिलेंगे। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर के रेस को पूरा करना रहेगा, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें भी क्या होगा कि 4 मिनट से कम अगर आप 1 किलोमीटर के रेस को पूरा कर लेते हैं, 4 मिनट से कम समय में अगर आप 1 किलोमीटर के रेस को पूरा कर लेते हो दोस्तों, तो आपको यहां पे पूरे पूरे 50 अंक दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करना है दोस्तों, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस पे लग जाइएगा, ठीक है ना। जीतोड़ मेहनत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए रिटन सिलेबस जो है वो 100 अंक का, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसमें आपको कम से कम 75 प्लस नंबर लाना जरूरी है दोस्तों, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन किस कदर है आप लोग को मालूम है, ठीक है ना। बहुत तगड़ा फाइट होने वाला है दोस्तों, और ना जाने कितने लाखों के संख्या में जो है वो फॉर्म पड़ने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको मालूम है, ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और मेरिट आपका जो बनेगा वो फिजिकल पे बनेगा, तो फिजिकल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों, फिजिकल भी स्ट्रांग होना चाहिए और साथ में आपका रिटन भी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। आइए अब आगे बात कर लेते हैं हाई जंप की। हाई जंप का क्राइटेरिया क्या है, तो 25 अंक का आपका हाई जंप होगा, 4 फीट आपको मारना होगा, जिसमें कि आपको 3 चांस मिलेंगे दोस्तों, 3 चांस के अंदर में आपको 4 फीट का जो है हाई जंप मारना रहेगा, ठीक है ना। फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 3 फीट का मारना पड़ेगा, और इसी हिसाब से जैसे जिस हिसाब से आप दूरी तय करेंगे ना, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर दिया जाएगा। 4 फीट की जगह अगर आप 5 फीट मार देते हो, आपको पूरे 25 अंक मिलेंगे। महिला के लिए मैं बता रहा हूँ, 3 फीट की जगह अगर आप पूरे 4 फीट मार देते हो हाई जंप, तो आपको पूरे पूरे 25 अंक दिए जाएंगे, ठीक है ना। उससे कम मारते हो तो उसी हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि गोला फेंक की, तो गोला फेंक भी 25 अंक का होगा। 16 पाउंड के गोला को 16 फीट दूर फेंकना होगा, अगर आप 20 फीट दूर फेंक देते हो तो आपको 25 अंक मिलेंगे, या फिर उससे कम अगर आप फेंकते हो तो उसी हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो 12 पाउंड के जो गोले हैं उसको 12 फीट दूर फेंकना होगा, अगर आप 12 फीट की जगह 16 फीट फेंकते हो तो आपको पूरे पूरे 25 अंक दिए जाएंगे। और ये होता कितना है दोस्तों, 16 पाउंड ये करीब करीब 7-8 केजी के आसपास होता है, ठीक है ना, 7 केजी के आसपास, 7-7.5 केजी के आसपास होता है। अब अंत में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि सैलरी जो है वो कितना दिया जाएगा आपको, तो जो बेसिक सैलरी है वो 21,500 से लेकर के 69,100 रुपये है।
लेकिन ये मान के चलिए कि आपकी जो शुरुआती सैलरी रहेगी ना वो आपको रहेगा 30,000 के आसपास। इन हैंड सैलरी दिया जाएगा दोस्तों, तमाम अलाउंस को मिला करके, HR अलाउंस, महंगाई भत्ता, सबको जोड़ करके आपका 30,000 शुरुआती सैलरी रहेगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी यहाँ पे सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपका भी सपना है बिहार में पुलिस कॉन्स्टेबल बनने का तो आपको कस के मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, जितना हो सके उतना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको रिटन और फिजिकल दोनों के लिए जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो या पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।